थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और इधर उधर लोग आने जाने में कतराते हैं एक दूसरे के एरियाज में, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं ये व्हाट्सएप वगैरह और इससे र्यूमर्स फैलते रहते हैं, बट गवर्नमेंट हैज गॉट इट्स ओन मेजर्स टू कंट्रोल। चैलेंज होता ही है, हम लोग वर्दी पहनते चैलेंजेस के लिए ही है, लेकिन चैलेंजेस सॉर्ट आउट होते हैं। कश्मीर के हो गए हैं, पंजाब के हो गए हैं, छत्तीसगढ़ हो गए हैं, ये भी हो जाएगा। Any unlawful person, miscreant, is losing the ground now. Message पूरी forces के लिए कि we are on the ground, we are holding it, और सारे देश की जनता से यही कि prosperity and peace is again coming back very soon. देखिए ये जो जगह है इसका नाम है गमगी फाई। ये कांकोपी और वेस्ट इम्फाल का बॉर्डर है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर चेक नाका लगा हुआ है, यहाँ पर CRPF, असम राइफल, मणिपुर पुलिस के कमांडोस सब लोग मिल करके इस नाके पर रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी, अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट, कोई भी इसको क्रॉस ना कर सके और पब्लिक में शांति रहे। मेरे पीछे वाली रोड जो है ये नागालैंड और आसाम जाती है, आगे वेस्ट इम्फाल यानी कि इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में जाती है। इस जगह का नाम फिर से बता दूं, गमगी फाई नाका है। यहाँ CRPF भी रहती है, आसाम राइफल भी रहती है, मणिपुर पुलिस के कमांडोस भी रहते हैं, एंड ऑल आर टुगेदर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। बाकी गाड़ियों की आवाजाही आप देख ही रहे हैं, यू आर सीइंग द स्माइलिंग फेसेस, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। द सिचुएशन इज़ फुल्ली अंडर कंट्रोल। कहीं कहीं पर जो आप CRPF कैंप पे हमले की बात कर रहे हैं, दैट वाज अ फ्रिंज एरिया, जो आउटस्कर्ट्स एरिया हैं वहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, जिसको हमारी फोर्सेस टैकल भी कर रही हैं और स्ट्रांगली जो है मिसक्रिएंट्स को जवाब भी दे रही है। जो भी मिसक्रिएंट्स हैं उनको जवाब दिया जा रहा है स्ट्रांगली। कल क्या रात में कुछ घटना कहीं पर घटी है? नहीं, मेरे एरिया में कोई ऐसा नहीं है। मेरे IMDIG कांकोपी देयर हैज बीन नथिंग यस्टरडे। तो वी आर जस्ट होल्डिंग द सिचुएशन एंड एनी अनलॉफुल पर्सन मिसक्रिएंट इज लूजिंग द ग्राउंड नाउ स्लोली एंड स्लोली। मैसेज पूरी फोर्सेस के लिए कि वी आर ऑन द ग्राउंड, वी आर होल्डिंग इट, और सारे देश की जनता से यही कि प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इज अगेन कमिंग बैक वेरी सून, सो बी हैप्पी, दैट्स ऑल। तो क्या लग रहा है कि आप लोग लगातार जिस तरह की ये हालात को देख रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कहीं पे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए चीज़ को फिर से नॉर्मलसी में लाने? चैलेंज होता ही है, हम लोग वर्दी पहनते चैलेंजेस के लिए ही हैं, लेकिन चैलेंजेस सॉर्ट आउट होते हैं। कश्मीर के हो गए हैं, पंजाब के हो गए हैं, छत्तीसगढ़ हो गए हैं, ये भी हो जाएगा।